न्यूज किन्नौर टीवी में जिला किन्नौर से प्रातः काल की बड़ी खबर। जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपियो में नजदीक बस स्टैंड सब्जी मोहल्ला में अज्ञातों ने बीती रात दर्जनों वाहनों के साइड मिरर तोड़े। पुलिस प्रशासन कर रही है कार्रवाई, लोक प्रशासन से कर रहे हैं अतिरिक्त सीसीटीवी की मांग। यहाँ गाड़ी टूटी थी, यहाँ से हम पूरे आपकी कोठी मोड़ तक हम लोग गए चेक करने, कोई 10-12 गाड़ियाँ टूटी थी और रास्ते में हमने एक भी कोई पुलिस का नहीं मिले कर्मचारी लोग। हालांकि यहाँ रात को लगाना चाहिए, पुलिस ड्यूटी लगनी चाहिए, गश्त लगना चाहिए, पर उस नाम कोई गश्त यहाँ लगा ही नहीं है। उसके फिर अपने प्रेम जी है जिनका अपना टेम्पो ट्रेवल चलता है उनका, उन्होंने 112 में फ़ोन किया। उसके बाद जाके पुलिस वाले रात को आए तो उन्होंने हमारे कंप्लेंट दर्ज की, उसमें भी देखा तो यहाँ से कोई 10-12 गाड़ियाँ टूटी थी। मेन कारण ये कोई इंसिडेंट जो है रात को कोई 11-1 बजे की बात हुई है, कोई शराबी तत्व जो इन्होंने जो है यहाँ से फिर बस स्टैंड से लेकर जो है कोठी मोड़ के इधर संगम बार तक जो है 10-15 गाड़ियों का जो है साइड मिरर जो है तोड़ते चले गए। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि अभी पुलिस वालों ने जो 3-1 सस्पेक्ट जो है इन्होंने लिया हुआ है, उनको जो उनसे जो रिमांड हो रही है। अच्छा, और आप क्या चाहते हैं कि क्या इस एरिया में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए ताकि आगे सेफ्टी रहे? पहले तो यहाँ पर जो बैंक के पास ये ओरिएंटल बैंक था, इन्होंने लगाई थी तो यहाँ पर काफ़ी सेफ था, तो अब यहाँ पर जो एक कैमरा लगना चाहिए।